और अब खबर करेरा से, जहां जानकारी के मुताबिक आरती पत्नी कालीचरण जाटव उम्र 29 साल निवासी ग्राम निश्रोली अपने पति के साथ रविवार दोपहर 2:30 बजे कच्ची गली करेरा से प्रदीप जैन की साड़ी की दुकान में साड़ी लेने गई थी। महिला ने अपना पर्स काउंटर पर रख दिया था और साड़ी देखने लगी। बगल में एक वृद्ध महिला जो नीले कलर की साड़ी पहने थी और एक सांवला रंग का व्यक्ति जो आसमानी रंग की टी शर्ट पहने हुए खड़ा था, उन लोगों ने पर्स लिया और वहां से चले गए। जैसे ही महिला ने अपना पर्स काउंटर पर देखा तो नहीं दिखा। महिला ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट लिखाई कि उनका पर्स डार्क ग्रे कलर का था जिस पर 3 स्टार छपे थे और पर्स में मेरे 3 पासपोर्ट साइज के फोटो, 1 मेरा आधार कार्ड, 500 रुपये के 4 नोट और 200 रुपये के 7 नोट थे। कुल नगद 3,400 रुपये रखे हुए थे, चोरी हो गए हैं। मुझे उस वृद्ध महिला और उस व्यक्ति पर शक है कि यही दोनों लोग मेरा पर्स चुरा कर ले गए हैं, जिस पर करेरा थाना प्रभारी सतीश सिंह चौहान ने तत्काल एक्शन लेते हुए अपनी पुलिस टीम से ASI जितेंद्र जाट पुलिस स्टाफ को भेजा। चोरी किए गए पर्स के साथ महिला पुरुष को महज 1 घंटे में पकड़ लिया गया। करेरा से संजय गुप्ता बिलैया की रिपोर्ट। आपके गाड़ी में क्या घटना घटी, कितने लोग थे गाड़ी में? मैं गुना का रहने वाला हूँ, मैं झांसी भंडारे में गया था। भंडारे से हम गुना के लिए लौट रहे थे। आपके ये करेरा चौराहे पे, करेरा के अंदर से एक अनबैलेंस ट्रैक्टर निकला है, उसने आजू बाजू नहीं देखा, दारू के नशे में था और सीधे एकदम दोनों तरफ रोड क्रॉस किया उसने। हमने बहुत दूर से गाड़ी कंट्रोल करी है, सीधी हमारी गाड़ी उसके बीच में लगी और फिर वो ट्रैक्टर छोड़ के भग गया। भगने के बाद हमने पुलिस को कंप्लेंट किया, पुलिस का डायल 100 को फ़ोन लगाया। जब डायल 100 नहीं आई काफ़ी देर तक, तो उन लोगों ने ये सोचा कि ये लोग गाड़ी में अकेले हैं। फिर वो 10-15 जने इकट्ठे होके आए, ट्रैक्टर को स्टार्ट किया, वो भगाने की कोशिश में हमने से लड़ने के लिए तैयार हो गए। ट्रैक्टर को ले जाने के चक्कर में थे, पर हमने फिर क्या, कुछ लोगों ने वहाँ से मिल के गाड़ी में धक्का लगवा के ट्रैक्टर के पीछे लगा दिए ट्रॉली के, तो अगर ट्रैक्टर ना ले जा सके। अच्छा, तो कितने लोग थे आप लोग गाड़ी में? गाड़ी में हम 5-6 लोग थे। अच्छा, लोग कितने लोग घायल हुए? 2 लोग घायल हुए। 2 लोग घायल हुए, ठीक है।